अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया आपका, कैसी हैं आप? अच्छी। आई आई। अरे बढ़िया पा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वसीम तो स्कूल गया है आपा। अच्छा, ये तुम्हारे लिए और ये वसीम के लिए। मगर इसकी क्या जरूरत थी? अरे मजलीब, फिर वही बात। कितनी बार मैंने तुमसे ये कहा है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे घर भला मैं खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं अनवर मियां? बेशक, आपके इस तोहफे में कितना प्यार है मैं समझ सकता हूँ। अच्छा पापा, घर की क्या खबर है? अरे मजली, मेरा जी क्यों जला रही है? खबर तो इस घर में है, मगर तूने मुझे नहीं बताया। तू क्या समझती है, इस घर में और कोई नहीं है जो मुझे अपना समझता है? अच्छा, तो इन्होंने खबर दी है आपको? और नहीं तो क्या, खुदा खैर करे, अनवर मियां को लंबी उम्र दे। आपा, खबर मैं करूं या वहीदा करे, बात तो एक ही है, हम दोनों अलग तो नहीं। खुदा खैर करे, अलग हो आपके दुश्मन, आप बस यूं ही हंसते रहिए और ये आंगन किलकारियों से गूंजता रहे। बस ऐसी एक खुशी अल्लाह ताला जहीर मियां को भी दे दे। 10 साल हो गए, मगर एक बेटी के अलावा अभी भी गोद सुनी है। इतना बड़ा कारोबार है, अरे चिराग जलाने वाला भी तो कोई चाहिए। थक गई हूं मैं बहू बेगम से कह कह के, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाए, चेकअप कराए, मगर मजाल है कि वो मेरी बात सुने? और जहीर मियां को जैसे परवाह ही नहीं। मगर जहीर भाईजान खुद भी समझदार है और नसरीन भाभी माशाल्लाह एजुकेटेड है। अनवर मियां, पढ़ी लिखी लड़कियों का यही तो रोना है, वो ये बात नहीं समझती कि बेटा एक रोशन चिराग है जो खानदान को बढ़ाता है, नाम चलाता है। आप ही ये बात जहीर मियां को क्यों नहीं समझाते? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मजली का चांद जैसा बेटा खेलेगा इस आंगन में। अब आप बेटा तो खेल रहा है, अब आप बेटी होने की दुआ कीजिए। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे।